सड़क सुरक्षा अभियान से इस बार पुलिस ने बच्चों को भी जोड़ा और उन्हें समझाया कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े के समापन अवसर पर स्कूल, कॉलेज एवं एनजीओ के लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि इस पखवाड़े में हमने स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों और एनजीओ के लोगों को चित्रकला, संगीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जोड़ा और उन्हें पुरस्कृत भी किया। युवाओं से अपील की गई है कि वो हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, शराब पीकर कभी भी वाहन न चलाएं। इसके साथ सभी को ई चालान को लेकर भी जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े का समापन हुआ। इसमें खासतौर पर 15 दिनों के जो कार्यक्रम थे उसमें बहुत सारे युवाओं को जोड़ा गया, खासतौर पर स्कूल, कॉलेजेज और उनके जुड़े हुए विभिन्न जो संगठन हैं उनसे जोड़ करके कला सृजनात्मकता के जो बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे लेखन हो, चाहे इलोक्यूशन हो, सभी माध्यमों से युवाओं को आमंत्रित किया गया कि वे अपने सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करें, खासतौर पर सड़क सुरक्षा के संदर्भ में। और इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया, उनकी सृजनात्मकता को आज पुरस्कृत किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, उनके खासतौर पर स्कूल के जो प्रबंधन है उससे जुड़े हुए शिक्षक और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों ने, ट्रैफिक के यातायात से जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव भी है महत्वपूर्ण कारण, उसमें ओवर स्पीडिंग भी है, इसमें मोबाइल पर वाहन चलाना, ये ऐसे कारण हैं जो हम सबको पता है और कई बार लापरवाही के कारण इन घटनाएं घट जाती हैं, तो उनको लेकर के पुलिस जागरूकता फैला रही है, कोशिश कर रही है। उसमें इन्फोर्समेंट के अंतर्गत कार्रवाइयां भी हो रही हैं और पूरी कोशिश है कि लोगों के दिनचर्या का यह हिस्सा बने। स्टूडेंट्स, कॉलेजेस से भी अपील की गई कि वो अपनी पाठ्यक्रम में न सिर्फ इसको हिस्सा बनाएं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व का अंग बनाएं ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।